हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है 11 केजी ब्रेकर मशीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसमें दोस्तों चीजल फंसा हुआ है। अगर आपके पास 11 केजी ब्रेकर मशीन है या फिर रिफर कर रहे हो तो ये चीजल फंसा हुआ है, तो कैसे आप निकलोगी, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोटेक्शन स्लिप को अंदर खींचिए, और एक अगर आपके पास हमर है तो हमर में चारों तरफ उसको पीटिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पीट रहा हूँ। तो मैक्सिमम टाइम में ये जाम हो जाता है, तो कभी कभी ये फंस जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको चारों तरफ पीटिए, वो निकल जाता है। मैक्स पकड़ लो 30-40% चांस है यहाँ पे निकल जाए। अगर नहीं निकल रहा है तो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये इसमें नहीं निकला। तो अभी हमको क्या करना है, उसका जो प्रोटेक्टिव कैप रहता है, सबसे जो ऊपर कैप लगता है, उसको हमको खोलना है। चीजल वहाँ पे है, लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं। आप इसको जो प्रोटेक्टिव कैप है उसको निकाल सकते हो। फिर निकालने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन स्लीव जो रहता है वो भी निकल गया। और फिर आपको यहाँ पे उसका जो सर्किल लगता है, या फिर रिटर्निंग रिंग बोल सकते हो उसको, रिटर्निंग रिंग लगता है उसमें, एक लॉक टाइप का होता है, सर्किल बोलते हैं बहुत लोग। इसको आपको खोलना है। खोलने के लिए आप इनर आउटर प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो छोटा सा पतला सा टेस्टर में आप उसको खोल सकते हो, लेकिन थोड़ा दिक्कत करता है। अच्छा रहेगा अगर इनर आउटर प्लास्टिक यूज़ करोगे। ओके, और यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊंचा कर लीजिए तो परफेक्टली ये निकल जाएगा, जैसे जैसे कि आप देख रहे हो। तो एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगा, फिर इनर प्लास्ट में आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कि ये आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, इतना अगर टाइट है, थोड़ा नया है तो टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मल चीज़ पुराना है तो आसानी से ये निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों ये वीट का फंसने का ये सबसे ज़्यादा कारण ये होता है कि उसके अंदर दोनों जो काजू टाइप का रहता है उसको स्टफिंग डिवाइस बोलते हैं, वो चीजल को लॉक करता है। तो वो खा जाता है, कभी कभी खा जाता है, या फिर थोड़ा डैमेज होकर निकल जाता है, उस सिचुएशन में वो काम नहीं करता है, फिर वो फंस जाता है। फिर उसके ऊपर थोड़ा इंडेक्सिंग डिस्क भी एक चीज़ है, वो भी ख़राब होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सब कुछ मैं खोल चुका हूँ, रिटर्निंग रिंग निकल जाएगा, सपोर्टिंग डिवाइस निकल गया, यहाँ पे देखिए ये स्टॉप स्लिप भी निकल गया। और यहाँ पे देखिए ये जो काजू टाइप का रहता है उसको स्टफिंग डिवाइस बोलते हैं, दोनों लगता है, दो तरफ दोनों लगता है। तो यही ये जो चीज़ है, इसी चीज़ में ही आपका चीज़ें लॉक होता है, तो ये ख़राब हो गया है। इस सिचुएशन में आपको दोस्तों इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा फाइल वगैरह मार के चला सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो अच्छा रहेगा, लेकिन चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर चेंज कर लेते हो तो ये आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप फाइल वगैरह मार के उसको लगा दोगे तो ये फिर एक दो महीना में ख़राब हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों ये मैं सब कुछ खोल चुका हूँ। मैं सबसे पहले आपको क्लीन करूँगा, क्योंकि ये जो ग्रीस वगैरह हुआ है तो इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर किरासन, जो मिट्टी का तेल रहता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, तो यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा और ज़्यादा जो चीज़ है वो कहाँ पे दिक्कत होता है। जैसे कि आप जो इसको प्रेस करते हैं, प्रोटेक्शन स्लिप बोलते हैं उसको, वो पूछ नहीं होता है कभी कभी, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल में ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको कहीं में नहीं मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोटेक्शन स्लिप है जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर डस्ट वगैरह जो घुस के इतना माइल मतलब डस्ट जमा हो जाता है, ये देखिए, तो इसको आपको खोलना ज़रूरी है। तो सबसे जो ऊपर प्रोटेक्शन कैप लगता है उसको खोलने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके पास मशीन है, खुद मशीन यूज़ करे हो, तो हमेशा इसको 10 से 15 दिन के बाद इसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इसके अंदर डस्ट घुस जाता है, तो इसके वजह से आपका अंदर अगर सब कुछ सही है तो ये दिक्कत होता है। इसको आप बहुत लोगों ने चेक नहीं करते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आप इसी के लिए आप अगर किसी मिस्त्री के पास जाओगे तो वो और चीज़ का बात बोल के इसको क्लीन करके आपको दे देगा, फिर उसका पैसा ले लेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप 15 से 20 दिन पकड़ लो के अंदर आपको इसको क्लीन करना है, जो आपने देखा कितना डस्ट उसके अंदर घुसा था। तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्लीन हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे रिटर्निंग रिंग और एक इंडेक्सिंग डिस्क और दो स्टफिंग डिवाइस। तो चलिए मैं लगा इसको क्लीन साइड में रखते हैं, और जो भी चीज़ है इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये है स्टॉप स्लिप, कभी कभी ये टूट भी जाता है। और ये देखिए, ये सपोर्टिंग डाइस है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर रिटर्निंग रिंग लगता है, उसके वजह से ये खा जाता है। ओके, तो ये सब चीज़, ये बॉल वगैरह, और ये देखिए
ये जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये स्टफिंग डिवाइस है दोनों, यहाँ पे ये ख़राब हो सकेगी, ये उठ चुका है तो इसकी वजह से ये अंदर नहीं जा रहा है तो लॉक होके रहता है और बाहर भी निकल नहीं रहा या फिर अंदर नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से कभी कभी अगर बीट लगा रहे हो तो नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है अंदर तो फिर बाहर नहीं निकला है। तो ये इंडक्शन डिस्क है। तो यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे जो स्टॉप स्लीव रहता है वो चारों तरफ ये खा गए है, तो इसकी वजह से ये काम परफेक्टली नहीं करेगा, तो इसके वजह से हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक इंडक्शन डिस्क है, ये देखिए डंक्सिंग का है, और एक रिटर्निंग रिंग, और ये स्टॉपिंग डिवाइस दो पीस है। तो ये चार ठो चीज़ को हम चेंज कर लेंगे तो ये आसानी से काम करेगा, फिर कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो कंप्रेसर स्प्रिंग को भी आप जरूर ध्यान दीजिए, तो ये खा जाता है कभी कभी कंप्रेसर स्प्रिंग, जो स्प्रिंग लगता है। ओके, थोड़ा ऊंचा करके रख लेते हैं। फिर सबसे पहले हम इसमें जो फ्लेंज रहता है, तो फ्लेंज में होल वगैरह रहता है, उसमें बॉल लगता है, तो बॉल यहाँ पे देने के लिए हमको ग्रीस करना पड़ेगा। जैसे कि आप यह देखिए, मैं जेली ग्रीस नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल ग्रीस दे रहा हूँ ताकि ये बॉल आसानी से वहाँ पे बैठा रहे। ओके, बॉल के लिए ये देखिए, ये बॉल है, तो बॉल हम इसमें लगा लेंगे। बॉल को ज़रूर ध्यान दीजिए, ये कभी कभी खा जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं खाता है, कभी कभी बाई चांस खा जाता है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये भी मिल जाएगा, कोई भी पेपर से आपको चाहिए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको साइड में दिया गया नंबर से कॉन्टैक्ट करना है, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं बॉल लगा चुका हूँ। थोड़ा हम इसके जो रिचर्ड स्लीव रहता है, इसमें हमको थोड़ा इसमें ग्रीसिंग करना है, और रिचर्ड स्लीव को इसके अंदर बिठा देना है। ये जो प्लास्टिक का ब्लैक कलर का रहता है, इसको रिचर्ड स्लीव बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमको इसमें रिटर्निंग स्नैप रिंग लगाना है। ये देखिए, इसको हम रिटर्निंग स्नैप रिंग बोलते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, कभी कभी बाई चांस ख़राब नहीं होता है, 90% चांस है इसके ख़राब ना होने का, इसमें कोई इशू नहीं रहता है कभी भी, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होता है इसमें। ओके, फिर उसमें दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा ग्रीस, जैसे कि आप देख रहे हो परफेक्ट फिटिंग यहाँ पे होगा, और ग्रीस लगाने के बाद यहाँ पे कंप्रेसर स्प्रिंग लगाएंगे। ये देखिए, और कंप्रेसर स्प्रिंग में थोड़ा ग्रीसिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, कंप्रेसर स्प्रिंग के बाद हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग डिस्क लगाएंगे। इंडेक्सिंग डिस्क में हम थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे। ओके, ऊपर नीचे ग्रीसिंग जहाँ जितने भी होना हो रहा है, कोई इशू नहीं ग्रीसिंग करने का, लेकिन ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि उसके अंदर डस्ट वगैरह घुस जाता है तो जाम हो जाएगा ज़्यादा। ओके, इंडेक्सिंग डिस्क लगा के यहाँ पे स्टॉपिंग डिवाइस लगाना है। ये देखिए, स्टॉपिंग डिवाइस में बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कैसे लगाते हैं, आसान सा चीज़ है, इसको आप ऐसे लगा सकते हो। ये देखिए, ये लग गया। फिर दूसरी तरफ आपको थोड़ा प्रेस करके लगाना, स्टॉपिंग जो इंडेक्सिंग डिस्क है उसको पकड़ना है, फिर स्टॉपिंग डिवाइस को लगा देना है। अरे, आसान सा चीज़ है, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। ओके, ये लग गया दोनों तरफ, ये दोस्तों स्टफिंग डिवाइस लग गया। और जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अंदर जो कंप्रेसर स्प्रिंग है वो इंडेक्सिंग डिस्क के अंदर रहना चाहिए, वो अगर बाहर निकल जाएगा, साइड में कोई जो उसका रिचर्ड स्लिप में टॉच होगा तो अच्छे से पोस नहीं होगा। ओके, फिर यहाँ पे थोड़ा ग्रीसिंग कर लो, यहाँ पे थोड़ा हार्ड ग्रीस यूज कीजिए, जेली ग्रीस मत यूज कीजिए। मैं हार्ड ग्रीस यूज़ करने के बाद उसके ऊपर जेली ग्रीस थोड़ा दे रहा हूँ। ओके, फिर आपको यहाँ पर लगाना है स्टफ स्लीव। यहाँ पे जो ये जो स्टफ स्लीव है बहुत टूट जाता है, अगर कोई लोकल मशीन यूज़ करे तो भी टूट जाता है, हैवी मशीन में भी टूट जाता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ओके दोस्तों, अभी आपको इसमें नेपिंग रिंग लगाना है, फिर उसके ऊपर आपको सपोर्टिंग डाइस लगाना है। यहाँ पर देखिए, ये सपोर्टिंग डाइस है, और कभी कभी आपका मशीन में पता होगा आपको कि ये बीट के साथ ये सब कुछ बाहर निकल रहा है, तो ये सपोर्टिंग डाइस का ही दिक्कत होता है। सपोर्टिंग डाइस कभी कभी खा जाता है, फिर उसका जो रिटर्निंग रिंग रहता है उससे बाहर निकल रहा है, तो आपको इसका सलूशन ये सपोर्टिंग डाइस है, इसको चेंज कर लो, फिर रिटर्निंग रिंग चेंज कर लो, हो जाएगा। तो सपोर्टिंग डाइस लगाने के बाद उसके ऊपर एक रिटर्निंग रिंग लगता है, या फिर आप सर्क्लिप भी बोल सकते हो, इसको आप यहाँ पर लगा लो। और ये आसान सा चीज़ है, कोई भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, थोड़ा टाइट रहता है, थोड़ा कोशिश करने के बाद ये आसान से लग जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को या फिर वीडियो को आप शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ, तो कुछ जानकारी उनको भी दीजिए ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए, ये लगभग ये लग चुका है, थोड़ा टाइम लगता है, मैं स्किप नहीं किया हूँ वीडियो को। ओके,
ये लग गया है दोस्तों, और कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो रिटर्निंग रिंग है थोड़ा अंदर नहीं जा रहा है, तो टाइट है अंदर से, तो अच्छा लगेगा अगर आप उसको थोड़ा पीट लोगे तो अंदर चला जाएगा। ओके, ये आसान से कभी कभी चला जाता है, कभी कभी रुक जाता है, कोई इशू नहीं होगा। ओके, अभी देखिए बिट आसानी से अंदर चला जाएगा और आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये अंदर चल जा रहा है और ये बाहर भी निकल रहा है, तो और कोई इशू नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्तों इतना तक वीडियो को देखने के लिए, ज़रूर बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा ये वीडियो लगा।